गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। आज का सीन कुछ ऐसा रहने वाला है कि कल है मेरी एग्जाम सुबह 7 बजे से, तो मेरे को निकलना होगा आज ही सवाई माधोपुर के लिए। एक दोस्त और है साथ, वो भी साथ ही जाएगा, कुछ किलोमीटर दूर है, दोनों साथ जाएंगे और मिलते हैं आपको वहाँ जाके, क्या होता है क्या रहता है। तो हमको अभी निकलना होगा, मम्मी ने कपड़े बड़े धो दिए मेरे। और गाइस बता दूँ कि सुबह थोड़ा काम था, काम ये था गाइस कि भाई जो गोबर होता है ना वो डालना था खेतों में, तो खेतों में डालना था ना, तो वही सुबह ट्रॉली लगा दी, भर भी दिया और फिर ये अब बिल्कुल नाना है। 3 बजे मैं निकल जाऊंगा, दोस्त वहां से मिल जाएगा बस में साथ ही, उसके बाद मिलते हैं आपको सवाई माधोपुर में, क्या सीन होता है बताते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस। यहाँ था हमारा भैंसों का गोबर, वो डाला था इधर यहाँ से ट्रॉली में और वो गया है उधर खेतों में, और वो काफ़ी उपजाऊ होता है ज़मीन के लिए, तो यहाँ से डाला था भाई। पसीने से ऐसे हो गए गर्मी का टाइम है। तो हेलो गाइज, फाइनली मैं नहा धो के रेडी हूँ और बैग वैग सब पैक कर लिया है। अब दिखाते हैं आपको सवाई माधोपुर का सीन और मिलते हैं रास्तों के पलों में। तब तक के लिए बने रहिए इस ब्लॉग में और इसको वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज मैं बस स्टॉपेज पे आ चुका हूँ, अब यहाँ से बस आएगी और मैं जाऊँगा सीधा उधर। दिल्ली पहुँच चुका हूँ मैं सवाई माधोपुर, अब किसी फ्रेंड के रूम पे जाऊँगा, उसके बाद में देखते क्या सीन होता है। और अब तो पहुँच चुके स्टेशन के सामने, कुछ खा पी के आते हैं, उसके बाद में किसी फ्रेंड के पास कॉल करते हैं, वहाँ पर रुकेंगे आज रात, फिर कल एग्ज़ाम दे के दोबारा घर को रिटर्न हो जाएंगे। देखते क्या सीन होता है, बने रहिए तब तक इस ब्लॉग में। तो हम जाने वाली जगह पे आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ से क्या सीन होता है। उसके बाद में या तो भैया के पास जाऊँगा पुलिस लाइन में, या फिर किसी फ्रेंड के पास रुकूँगा, सुबह जाना है एग्ज़ाम देने, उसके बाद में आपसे मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद में। तो गाइस सबसे पहले पियेंगे हम भैया के पास से बादाम वाला गिलास, रबड़ी वाला गिलास लगा दो एक, ये भैया लगाएंगे अब गिलास, 30 वाला लगा दो भाई। तो लग चुका है अपना गिलास और ये बंदा हंस रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो मिलते हैं आपको रूम पे उसके बाद। नाइट का समय हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अब दोस्त के पास, खाना वाना सब हो चुका है और वहाँ जाके उससे मिलेंगे, फिर ब्लॉग एडिट करेंगे और उसके बाद मिलेंगे फिर आपको। तेरा हो रखा है, हम इधर से जाएंगे, वो गाड़ी आ रही है उधर से जाना होगा, वहीं पे उसका रूम है। और गाइज हाँ, मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू शुरू में कि मैं एक दोस्त के साथ जाऊंगा, पर भाई वो नहीं जा पाया क्योंकि भाई उसके पापा और मम्मी गणेश जी के आए थे घूमने, तो वो उनके साथ आ गया और मैं रह गया इकल्ला। तो बस इकल्ला ही आया, बस में इतनी भीड़ थी भाई कि कुछ भी सूट नहीं हो पाया, बोल भी नहीं पाया कुछ भी, बस में इतनी भीड़ थी। लास्ट बस थी वो, लास्ट बस आती है वहाँ से माधोपुर के लिए, तो भाई इतनी भीड़ थी, हालत ख़राब हो गई थी। चलो मिलते हैं आपको रूम पे, फाइनली पहुँच चुके हैं रूम पे। तो ये है शौकीन आदमी, यहीं पे रुकूंगा।
और ये जा रहा है वाटर कूलर पे पानी लेने। फाइनली पानी ले लिया है, अब जाएगा ये रूम पे, खाना बनाएगा फिर खाएगा, उसके बाद मैं पढ़ूंगा क्योंकि कल है मेरी एग्जाम, उसके बाद में सीन होगा जो भी होगा। जो किसने कॉल कर दिया था भाई, इधर ही आ जा, नहीं तो मैं इधर जा रहा था पुलिस लाइन की तरफ। इधर से ज़्यादा स्टेशन, इधर ही मेरा रूम था, मैंने कर रखा है वो ऑफ। अब मैं इसके रूम पर आया हूँ, ये शौकीन डॉन है भाई, क्योंकि शौकीन ही कुछ है जो। तो गाइस हम आ चुके हैं रूम पे, अब मेरी कल एग्ज़ाम है, मैं तो पढ़ूंगा, शौकीन बनाएगा खाना, खा कर ये भी पढ़ेगा, उसके बाद मिलते हैं आपको। और वीडियो पे लाइक मार दो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। शौकीन बना रहा है खाना, तो भाई ये खाना बना रहा है, अभी खाएगा, मैं पढ़ लेता हूँ। शौकीन बना रहा है खाना, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।